क्या एंजल्स सच में होते हैं, क्योंकि हमको लगता है तो मूवीज में होते हैं बस। तो ऐसा कितनी बार हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम कुछ करना चाहते हो, तुम कहीं पर जाना चाहते हो और वो अंदर से आवाज़ आई है कि नहीं आज ये करने का मन नहीं है, आज नहीं जाना है, नहीं करना है, आज शायद डिले कर देते हैं या फिर ओके पोस्टपोन कर देते हैं, ऐसा कितनी बार हुआ है तुम्हारे कई साथ? बार हुआ है, कल भी हुआ था। कल भी हुआ था। तो ये जो अंदर की आवाज़ है वो तुम्हारे गार्डियन एंजल की आवाज़ है। अच्छा। ऑब्वियसली पृथ्वी पे ये जो 5 हमारे सेंसेस है तो हम लोग उनको वहाँ पर डायरेक्टली हमारे सामने तो नहीं बुला सकते। वी कॉन्ट कॉल गॉड एंड वी कैनॉट से टू द डिवाइन कि यू कम एंड यू प्रूव योर फिजिकल एग्जिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, वो तो है ऑलरेडी। इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। द सन डज नॉट रिक्वायर योर परमिशन। द मून डज नॉट रिक्वायर योर परमिशन। द स्टार्स डू नॉट रिक्वायर योर परमिशन। सो गॉड, ईश्वर, एंटिटी, एनर्जी ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर योर परमिशन, बट इट इज देयर इन योर हार्ट। एंड वेन द हार्ट सेज कि ये नहीं है, ये है, इट इज़ नॉट योर हार्ट, इट इज़ योर गार्डियन एंजल, इट इज़ योर गॉड, इट इज़ योर हायर सेल्फ टॉकिंग टू यू एंड गाइडिंग यू, दैट इज़ एन एंजल ओनली। सो क्या आपने कभी एंजल्स सच में देखे हैं? जैसे कि हमने, अगर हम देखें मूवीज में देखा है, फेरीज होती हैं बड़ी सुंदर सुंदर सी, तो अगर आपने देखे हैं तो हमें बता सकते हैं कि अगर किस तरह के नज़र आते हैं, दिखते हैं, अगर आपको देखते हो तो? ओके, 3 एक्सपीरियंसेस तो है जो मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज दे आर वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल, लेकिन 3 ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने ऑलरेडी ऑन कैमरा बताए हैं कि जब मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम एक कार्डेक हाथ में आया था तो आर्कएंजल माइकल करके एक है, उनकी एनर्जी को किस तरह मैंने फील किया था और उनकी एनर्जी का कैसे कार्ड के थ्रू और ब्रेथ के थ्रू मेरा कनेक्शन हुआ था। अच्छा। इट वॉज़ वन ऑफ द डेज इन 2013-14-15, यू हैव टू चेक द डेट, जिस दिन क्रिसमस 25th, क्रिसमस वॉज ऑन 25th, दैट वॉज अ ट्यूजडे, और माहिम जहाँ पर मैं रहता था पहले, माहिम जहाँ की मेरी बॉर्न ब्रॉट अप एजुकेशन हुई है मुंबई में, वहाँ पर माहिम के दरगाह पर मेला लगता है, दिसंबर का जो मेला है, तो वो आखिरी दिन या सेकेंड लास्ट डे था। सो इट वॉज ऑल्सो दैट वेयर आई हैड विजिटेड द दरगाह दैट डे। आई हैड गॉन टू चर्च फॉर 25th क्रिसमस फॉर द सॉरी 24th नाइट, मिड नाइट मास जिसको बोलते हैं, उसके लिए, एंड इट बीइंग अ ट्यूजडे आई हैड ऑल्सो गॉन फॉर द सिद्धि विनायक आरती। नाउ दिस इज नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, इट वॉज अ ट्यूजडे और ट्यूजडे को ही सब होना था, एंड दैट नाइट द एनर्जी वॉज सो हाई। इमेजिन की मैं शाम को 6:30 बजे दरगाह गया हूँ, ओके, क्योंकि 28th December इज माई बर्थडे, तो नॉर्मली वो वाले वीक में आई एम वेरी वेरी इंट्रोस्पेक्टिव, मैं कुछ काम नहीं लेता हूँ, तो 6:30 बजे मैं दरगाह गया हूँ, उसके बाद में 9 से 10 मैंने सिद्धि विनायक में आरती अटेंड की है, और उसके बाद में 10:30-11 बजे जाके मैं आगे की सीट पे चर्च में, विक्टोरिया हाई स्कूल जो मेरी स्कूल है जहाँ पर मेरा एजुकेशन हुआ है, वहाँ के चर्च में मैं जाके बैठ गया था फॉर द मिडनाइट मास, जस्ट लाइक दैट, एंड आई वाज अलोन, मेरी वाइफ भी नहीं थी। दिस वाज हाँ या दिस वाज दिस वन ईयर व्हेन आई हैड टोल्ड माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन टू गो अवे कि भाई आप लोग चले जाओ ननिहाल, और एक साल मुझे दे दो टू फाइंड माई सेल्फ। मैंने एक साल का ब्रेक लिया था, बोर्डिंग स्कूल जो हमारी थी पंचगनी में वो मैंने क्लोज डाउन कर दी थी, और पूरी तरह से आई वॉन्टेड टू लुक की वॉट नेक्स्ट, आगे क्या, इससे आगे अब क्या हो सकता है। तो वो एक दिन मुझे याद है, देन आफ्टर कमिंग बैक, और उसी दिन मैं सुबह के दिन मॉल गया था जहाँ पर हमारे वहाँ पर लोअर परेल में पलेडियम का मॉल है, वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल था, उस टाइम पे एक कार्ड डेक वहाँ पर कोई बेचते थे, ये जो कार्ड डेक्स है, तो मैंने मेरा पहला कार्ड डेक लिया और ये पूरा का पूरा दिन गया। देन एट नाइट आई केम बैक, आई हैड समथिंग टू ईट एंड आई सैट डाउन एंड आई वॉज प्लेइंग अराउंड विद दिस कार्ड डेक एट अराउंड 1:30-2:00 एट नाइट की क्या है क्या नहीं है। तो कार्ड डेक से मैं खेल रहा हूँ और उसके अंदर एक बुकलेट आती है वो मैं देख रहा हूँ, अभी जैसे ही मैंने कार्ड डेक लिया हाथ में, एंड आई वॉज ट्राइंग टू सी ऑल द कार्ड्स इन दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, और बिटवीन 2 to 3:30 जितनी भी बार मैंने वो कार्ड डेक को इस तरह से शफल करके बुक में जैसे बताया था मैंने लिया, एंड आई केप्ट ऑन टेकिंग द कार्ड, ओके, द कार्ड वॉज द सेम 7 times इन अ रो इन 1.5 hours, वो कार्ड सेम आते गया और वो आर्कएंजल माइकल का कार्ड था। आर्कएंजल माइकल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टिव गार्डियन एंजल्स इन द हिस्ट्री ऑफ
क्रिश्चियनिटी, लेकिन मैं यहाँ पर जो एंजल थेरेपी की बात करने वाला हूँ, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, लेकिन वो मेरा पहला अनुभव था. सो आर्कएंजल माइकल का 7 बार कार्ड आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सो आई सेड ओके फाइन, इफ यू आर विथ मी देन आई नीड सम गाइडेंस, गिव मी अ गाइडेंस एंड लेट मी नो कि आगे का स्टेप क्या है, मुझे तो पता नहीं. नेक्स्ट डे आई गॉट सम मैसेज फ्रॉम समवेयर एंड आई ऑल्सो फ्रॉम समवेयर एंड आई रेड इन मिड डे ऑल्सो, या नाउ आई रिमेंबर इट वॉज अप्रिल 2012 के आसपास, बाद में दिसंबर के बाद अप्रैल की बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट डे का तो हो गया, उसके बाद में अप्रैल में भी एक ऐसा कुछ किस्सा हुआ वेयर आई हैड अ स्लाइट एनर्जेटिक फीलिंग एंड द फीलिंग ऑफ प्रेजेंस व्हेन आई विजिटेड निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम. आई हैड नेवर बीन टू दिस प्लेसेस. ओके, देयर आई विजिटेड, वहाँ पर कुछ एक ऐसा विजन जैसा कुछ हुआ विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब, विच इज़ वेरी पर्सनल बिकॉज देन इट बिकम्स रिलीजियस. देन ऑब्वियसली देन आई गो टू ऑल दीज अदर प्लेसेज एंड दैट वन ईयर जो वो एक साल था मेरे लिए पूरा, जब मैंने ब्रेक लिया था, इट वॉज अ डिस्कवरी अबाउट एंटिटीज, एंजल्स, एनर्जीज, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट्स, द स्पिरिट वर्ल्ड, डिमन्स, एवरीथिंग. सो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड देन थ्रू कार्ड डेक्स स्लोली स्लोली आई लर्न अबाउट एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स. आई वेंट टू डिफरेंट टीचर्स और मैंने टीचर्स को ढूंढना शुरू किया. लगभग एक साल में आई टुक अराउंड 23 to 24 आई थिंक मोर देन 27 कोर्सेज और सीखते गया मैं, सीखते गया. वो एक साल पूरा ब्रेक था एंड देन आई स्टार्टेड विद माई एग्जीबिशंस एंड द जर्नी स्टार्टेड.